अमित शाह यांनी घराणेशाहीवरून आता जोरदार टीका केली आहे. घराणेशाही पुढे नेणारा पक्ष देशाला पुढे नेऊ शकतो का असा सवाल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी उपस्थित केलाय. पवार ठाकरेंना त्यांच्या मुलांना मुख्यमंत्री करायचंय घराणेशाहीचा उल्लेख करत पवार आणि ठाकरेंवर हल्लाबोल करण्यात आलाय. ये जो मोदी जी के सामने जो पार्टियों का गठबंधन बना है वो कौन है? कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना है, शरद पवार जी को बेटी को मुख्यमंत्री बनाना है, ममता दीदी को भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है, स्टालिन को उसके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है. इसमें आपके लिए कोई नहीं है भाई, मुझे बताओ आपके लिए है कोई? है? अरे क्या नहीं है यार, आप सोते नहीं हो, आपके लिए नरेंद्र मोदी है भारतीय जनता पार्टी. मैं तो पवार साहब को कहता हूं, पवार साहब मोदी जी को 10 साल हुए, ये 50 साल से महाराष्ट्र की धनता आपको ढो रही है, सहन कर रही है. 50 साल छोड़िए, 5 साल का हिसाब दे दीजिए जनता को. मैं तो 10 साल का हिसाब लेने है. ये महाराष्ट्र में 3 पहियों वाली एक ऑटो चलती है जिसका नाम महाविकास अगाड़ी है. ये ऑटो के तीनों पहिए पंक्चर है. अब मुझे बताओ महाराष्ट्र को पंक्चर वाली ऑटो विकास दे सकती है क्या? एकनाथ जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही महाराष्ट्र को विकास दे सकती है. मित्रों महाराष्ट्र को विकास देते. लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा.